अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देवताओं के गुरु जी कौन? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी, एक बार इंद्र वहां बैठे थे और बृहस्पति जी आए। इंद्र ने देख लिया कि गुरु जी आए हैं, पर उठकर खड़े नहीं हुए। जीवन में कभी गुरुजनों का अपमान ना करना। भगवान का अपमान हो जाएगा तो भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान हो जाएगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए गुरुजनों का अपमान ना हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। सम्मान करना है, अपमान नहीं। इंद्र ने अपमान कर दिया, गुरुजी रुष्ट होके चले गए। परिणाम इंद्र को देव राक्षसों ने आक्रमण कर लिया और सारा स्वर्ग लूट लिया। इंद्र गली गली भागने लगे, दर दर की ठोकर खाने लगे। गुरु की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए गुरु की कृपा ना हटे। जिन पर गुरु की कृपा होती है उन पर निश्चित भगवान की कृपा होती है। जिन पर गुरु की कृपा नहीं उन पर भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। हो जाएगी मैया? इसलिए गुरु जी की कृपा चाहिए, फिर भगवान की कृपा। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज हो गए। देवताओं ने लूट लिया, राक्षसों ने लूट लिया। इंद्र दर दर की ठोकर, तब विश्वरूप को गुरु बनाया। इमरजेंसी नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर् विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद महापद गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिक देशु चाप पासां दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावतु वामिनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। ये नारायण कवच है मैया, भागवत जी के षष्ठम स्कंद के आठवें अध्याय, छठवें स्कंद के आठवें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। आप वृंदावन आए हैं तो नारायण कवच की एक पुस्तक छोटी सी आती है, 5 रुपए की, लेकर जाना, 5-10 रुपए की आती है। वो नारायण कवच आप जरूर पढ़ा करो घर से निकलने के पहले। बच्चे पढ़ें, पत्नी पढ़े, पति पढ़े, नाना पढ़े, नानी पढ़े, दादा पढ़े। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है उनके रक्षक स्वयं भगवान नारायण होते हैं। और बहुत पावरफुल कवच है ये नारायण कवच। कवच मीन्स सुरक्षा कवच, सब प्रकार से सुरक्षा। नारायण कवच संस्कृत में होता है, कठिन है, पढ़ना अभ्यास करने से आएगा, नहीं तो हिंदी पढ़ लेना, 10-5 रुपए की पुस्तक मिल जाएगी आपको। नारायण कवच खूब पढ़ना, बच्चों को बैग में रखना, बच्चों को पढ़ाना, भगवान रक्षक होते हैं। अच्छा मैया मैं एक बात बताऊं, बच्चों के बैग में गीता भी रखा करो। पढ़ाएं अच्छा है, पढ़ें ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक एक पुरुष के पास एक महिला आई, सच्ची घटना है ये बिल्कुल। कल्याण नाम की पुस्तक आती है, आती थी ना गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण, उसका ये उसकी कथा है। एक प्रेत, एक भूतनी, एक महिला बनकर एक पुरुष के पास आती थी और उस पुरुष को परेशान करती थी। वो कहती थी तुम यहीं बैठो, और वो ना बैठे तो बड़ा परेशान करे। अब वो पुरुष बड़ा परेशान हो गया और वो महिला प्रेत थी। प्रेत कोई प्रेत बाधा रही होगी, कई बार आपके पूर्वज तरते नहीं हैं, प्रेत प्रेत बन जाते हैं, भूत भूत बन जाते हैं। आप लोग भी भूत ना बन जाना, इसके लिए कथा बथा सुनते रहना। नहीं, पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं चुड़ैलन इत्यादि बन जाती है। तो वो कोई चुड़ैलन थी, वही भूतनी थी। तो हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
अब आप कहते हैं महाराज जी भूत थोड़ी होता, अरे भाई भूत नहीं होता तो तुलसीदास जी भूत का जिक्र क्यों करते? जिक्र है मतलब है, और आपको भूत वो देखना है तो मैं तुरंत दिखा सकता हूं आपको। यहां से पास में मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, चले जाइएगा, खूब भूत भूत वाले लोग आते हैं, झूम बराबर झूम शराबी वाले पूरे मिल जाएंगे आपको वहां, और बड़े प्रेत व्रेत सब आज भी हैं। आप देख लो अपनी आंखों से देखो ना, किसी पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आंखों से देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।